स्वागत है दोस्तों विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के इस कड़ी में। आपको बताते चले कि EPS 95 जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में 2/3/2024 में कंटेंट पिटीशन, रिव्यू पिटीशन एवं मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं। ये आपको बता दें कि कंटेंट पिटीशन में एक 851/852 का जो 2023 का है कंटेंट पिटीशन है, आरसी गुप्ता वर्सेज एंड HPDTDC एम्प्लॉय यूनियन का है, आनंद वर्मा आर सी गुप्ता देन अदर्स नीलम स्वामी राव का ये केस है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताते कि ये लिस्टेड लाइकली टू बी कंप्यूटर जनरेटेड जो रिपोर्ट निकल के आ रही है 5/3/2024 के लिए लिस्टेड निकल के आ रही है। 5/3/2024 में इसकी सुनवाई हो सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। डायरी नंबर अगर आप 17/523/2023 का देखते हैं जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, डिटेल्स नहीं है और इसकी जो है ये फिल बाई नॉट बाई द EPFO, ये फिल किया गया था पेंशनर्स के जरिए यानी सुनील कुमार जी के जरिए। EPFO वर्सेज सुनील कुमार है जो कि EPFO के जरिए नहीं फिल किया गया था। ये जो कंटेंट पिटीशन है ये आरसी गुप्ता वर्सेज जो केस है उनका है। और आपको बताते हैं एक रिव्यू पिटीशन है 2/2/3/9/5/2023 का रिव्यू पिटीशन, इसमें है ये सतारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बैंक है, MS ब्लैक एंड वाइट है और यहाँ पर राजेंद्र कुमार जो है ये EPFO का है। इसका जो है हेयरिंग है 23/1 को हुआ था। ऑर्डर आउटकम स्टिल अवेटेड, भी इसका ऑर्डर जो है वो आया नियर रिव्यू पिटीशन का। तो ये तो आप महत्वपूर्ण जानकारी था। महत्वपूर्ण इसमें ये था कि आपको जो रिव्यू पिटीशन है जिसके कंटेंट पिटीशन है जिसके बारे में सब कोई जानना चाहता है तो उसकी जो है 5 तारीख को लिस्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ केसेस आप देखेंगे नीचे की तरफ, ये EPS 95 पेंशन के जो केसेज हैं इसमें ये पूरी डिटेल, जैसे भारत पेट्रोलियम का केस है तो ये उसकी पूरी जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्टिंग है हेयरिंग के लिए, 21 पन्नों का एक PDF है जिसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जो केसेस हैं उन सभी जो है EPS 95 पेंशन के केसेस ये पूरी लिस्टिंग है। ये 21 पन्नों का पेज है पूरा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर समझें कि जो ये केसेस आप देख रहे हैं ये विभिन्न मैटर्स का है, इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई करने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिसलेनियस एप्लीकेशन है, डायरी नंबर 10/652 का 2023 का, इसके ऊपर भी जो है फैसला आना है। और चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें चीज़ 2 रिव्यू पिटीशन यहाँ पर है, बाकी ये 2 नंबर देख सकते हैं आप, 1 रीट पिटीशन है, डिसमिस विड्रॉल कर लिया गया है, 25/27/2023 का है ये। बाकी मतलब पूरा EPS 95 के जो केसेस है जिसके भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होने वाली है या सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जाते हैं क्योंकि वो बेंचमार्क बन जाता है, चाहे वो EPFO हो या फिर सरकार को हो या वित्त मंत्रालय हो, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। और जो 4/11/2022 का फैसला था उसके अगेंस्ट में ये सब केसेस जो हैं ये डाले गए हैं, उसके ऊपर ये सुनवाई होने वाली है। ये महत्वपूर्ण जानकारी था। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।